फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज आप लोग को पनीर पकौड़ा बना के दिखाऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 200 ग्राम पनीर लिया, इसे स्क्वायर शेप में कट के रखा। एक बाटी बेसन लिया बैटर बनाने के लिए, थोड़ा पानी यूज करूँगी। और स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए सिजवान सॉस लिया, ये होममेड है, पहले ही मैं वीडियो में देख के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और फ्राई करने के लिए ऑयल, एक बड़ा बाउल ले लिया जो बेसन लिया, उसको बैटर बनाने के लिए मैं ऐड कर दिया। अभी जो सूखा इंग्रेडिएंट्स है, स्वाद अनुसार नमक पहले, और रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पहले अच्छी तरह से मिला लूँगी। सूखा इंग्रेडिएंट्स मिला के हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी करके, पानी दे के एक स्मूथ बैटर बना लूंगी। देखिए ऐसे बैटर रेडी हो गया। अभी मैं कढ़ाई गरम करके ऑयल गरम करने को देती हूँ। गैस ऑन करके ये डीप फ्राइंग होगा, इसके लिए ज़्यादा ऑयल लगेगा। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। जो पनीर स्क्वायर शेप से कट के रखा, वो थोड़ा बीच में स्टफिंग करने के लिए ऐसे आधा ही काटूंगी, जुड़ा रहेगा। और जो सिजवान सॉस लिया, इसमें ऐसे स्टफिंग भर के रेडी करूंगी और ऐसे रखते जाऊंगी। ऐसे बीच में आधा ही कट करूंगी, जुड़ा है रहेगा, पॉकेट के जैसे बनाऊंगी। और सिजवान सॉस ऐसे स्टफ करके पनीर रख देती हूँ। ऐसे सारा बना के तैयार कर लेती हूँ पहले। अभी सारे पनीर को ऐसे स्टफिंग भर के रेडी कर लिया और बैटर भी सेट हो गया। और दो बार अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। ऑयल भी गर्म हो गया, एक बूंदी देख के परफेक्ट हो गया। अभी एक एक पनीर ऐसे बैटर में डालते जाऊंगी। ऐसे डिप करके जाऊंगी और ऐसे ऑयल में छोड़ते जाऊंगी। बहुत इजी से बन जाता है। एक साइड होने के बाद दूसरे साइड फोकस करके पलट लेने का और गोल्डन कलर करके फ्राई कर लेने का। दोनों साइड गोल्डन कलर का हो गया। एक पेपर टॉवल में एक्स्ट्रा ऑयल सोक कर लेगा, इसके लिए पेपर टॉवल में निकल लेती हूँ पहले।
सेम प्रोसेस में ऐसे डिप करके और ऑयल में गरम हॉट ऑयल में छोड़ देने का और गोल्डन कलर करके फ्राई कर लेने का। ऐसे सारे तल के रेडी कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। अब गैस बंद कर देती हूँ। पलट पलट के दो साइड अच्छी तरह से गोल्डन कलर करके तल के लिया। अब सारे पनीर पकड़ा तल के रेडी हो गया। अभी प्लेटिंग कर लिया टमाटर सॉस के साथ। आप लोग को कट के दिखाती हूँ कितना बढ़िया देखने को भी होता है, बहुत सॉफ्ट है। देखिए कितना अच्छा कलर है और देखने में भी मस्त लग रहा है। स्वादिष्ट पनीर पकौड़ा बनके तैयार हो गया, गर्मा गर्म सॉस के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बनाइए, खाइए, आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।